तो सातवीं कक्षा के गधो, आई मीन बच्चों, आप देख ही रहे होंगे हम यहाँ पर एक नए बच्चे के साथ खड़े हुए। ये बच्चा आज से हमारे साथ पढ़ेगा। बच्चे बता माँ, बच्चे अपना नाम और सबको जरा अपनी जानकारी बता। मेरा नाम है बिली हॉगस्किन और पिछले स्कूल में मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी के नीचे बम फोड़ा था, इसलिए वहाँ से निकल गया और आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। बिली हॉगस्किन, ये कैसा नाम है? तेरे माँ बाप को कोई दूसरा नाम नहीं मिला था क्या तेजरो को देने के लिए? तेरे नाम से तो अच्छा ही है। धनचंद पाइपर, ये कैसा नाम है भाई? शुक्रिया बिली, अब जाके एक कुर्सी पे बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें स्कूल की पूरी जानकारी दे सकूं। अब ये कान के पर्दे फाड़ेगी मेरे। तो मेरा नाम है प्रिंसिपल स्पेंसर और मैं आप सभी से हर रोज सुबह यहाँ पे मिलूंगी। आपके टीचर मच लेटर। भाई कितने पकाते हैं ये टीचर लोग, इनका मुंह नहीं दुखता है क्या? ठीक है बच्चों, अब अपनी अपनी कक्षा में जाओ। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए अच्छा जाए। ये प्रिंसिपल ने इतना पका दिया और बोलती है आपका दिन अच्छा जाए। अब देखते हैं इधर के टीचर्स कितना पकाते हैं। चलो पहले यहाँ से बाहर चलो। क्या बड़ो, कैसा है? क्या मास्टर, कैसे हो? अब बेटा बिली, क्या तुम ये लकड़ी का फट्टा मुझसे $18 में खरीदोगे? तेरे सिर में ठोक दूँ ये फट्टा। वो क्या करूँ, हाँ तो आज अपना वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपना टॉपिक पे शुरू करते हैं। स्कॉट बेंच, जरा बताना बिजली को किस मापन में मापा जाता है? चलो बज गया, बेल हो गई। हम अगले क्लास में हम देखेंगे, अगली बार जरा अच्छे से तैयारी करके आना पड़ेगा। क्या मास्टर, अब पढ़ाया वढ़ाए कुछ नहीं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। चलो यहाँ से। बिली हॉगस्किन, मुझे अति आनंद हुआ कि आप हमारी शारीरिक शिक्षण की कक्षा में सम्मिलित हुए। औकात मेरा हिंदी का पीरियड नहीं है, इसकी हिंदी निकालूं मैं। बेसबॉल का डंडा किधर है? हाँ मिल गया, बेसबॉल का डंडा, इसके सिर पे मारूंगा मैं। किधर है मास्टर? सुप्रभात नौवीं कक्षा के बच्चों, तो आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, तो ऐसा करो सब लोग यहाँ पर दो चार लैब्स भागो, मैं आप सभी का मूल्यमापन करूँगा। डंडा फेंको, पहले भाग लो। भाग भाग के थक गया, कितना भगाओगे सर? रुक जा, तेरे को मार्क दे दिया है मैंने, तेरी ग्रेड की माइनस की जाती है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 9th ग्रेड ज्योग्राफी। मैटी मैकी, क्या तुम नेदरलैंड्स की राजधानी का नाम बताओगे? नहीं। स्कॉट, अब तुम बताओ नेदरलैंड्स की राजधानी का नाम क्या है? नहीं। ये क्या चल रहा है, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं रही है, सवाल पूछ रही है। कब पढ़ना स्टार्ट करोगे मैडम? मैडम मेरे लिए कुछ काम, मेरे लिए कोई सवाल? अरे मैडम मैं दिख नहीं रहा क्या? अरे मैडम कुछ तो बोलो, एक जगह फ्रीज क्यों हो गए? अरे मैडम क्या हुआ? लगता है मुक्का मारना पड़ेगा तभी ये होश में आएगी। अरे इतने कोमा में क्यों चले गए, इतने शांत शांत क्यों मैडम?
साला इसका डिस्कशन खत्म हो गया। अबे अभी तो स्टार्ट किया था, ये ले। अरे नहीं पकड़ लिया मेरे को। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड जमा हुआ है एक कंप्लेंट के लिए जो है बिली हॉक्सकिन के खिलाफ। मिस विंस्टर, क्या आप बताएंगी कि यहाँ पर हम क्यों जमा हुआ है, क्या परिस्थिति है, वो विश्लेषण करेंगी? जी मैडम, इसने मुझे छेड़ा, मुझे मारा। क्या बोल रहे मैडम, मैंने थोड़ी छेड़ा, बस पढ़ा नहीं रही थी इसलिए मैंने मारा। पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं है, बस बच्चों से सवाल पूछना है मैडम, पढ़ाती वढ़ाती कुछ नहीं है। तो आप दोनों की दलीलें सुनकर ये बोर्ड बिली हॉक्सकिन के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। अगली बार बच्चों को पढ़ाना, ना कि बगैर पढ़ाए सवाल पूछना, समझ में आया? बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गई। मैंने नहीं बुलाया था, क्यों आई? थक गया मैं, चलो सो जाते हैं। अमा यार, ये सुबह क्यों होती है भाई? यार अब चलो वापस से स्कूल में चलो। आज भैया पिताजी की बाइक लेके जाएंगे। चलो रिवर्स गियर में। चलो जी आ गए अपना स्कूल। गाड़ी में स्कूल के बाहर पार्क नहीं करूँगा, स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं। मैं गाड़ी सीधा स्कूल के अंदर ही लेके जाऊँगा। देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है मेरे को रोक सके। थिएटर में हमारी ये रिजर्व क्या बोलते हैं वो, रेजिग्नेशन होते हैं ना। हाँ मैडम, मैं बाइक लेके आ गया। मैडम बताए कुछ भजिया वजिया कुछ लेने के आना है बताओ, मैं मेरे पास बाइक है, मैं लेके आऊँगा। आओ ये हिस्ट्री की क्लास में क्या मिस्ट्री है देखे जरा। अरे पढ़ाना ये बजा क्यों रहा है, ये म्यूजिक की क्लास थोड़ी है सर। एक तो बजा भी बहुत बेसुरा रहे हो, मत बजाओ भाई, मत बजाओ सर। बिले उस सीट से हट जा बिले, वरना तेरे ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। देख लूंगा तेरे को, देख लूंगा, कभी तो मेरे हाथ में आएगा तब तेरे को देख लूंगा मैं। हाँ क्या 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 देख लोगे, क्या देख लोगे, देख लोगे सर, जरा बताना, फिर से बोलो, फिर से बोल बोल फिर से। सलाम, दिमाग खराब कर रहा है, मैं इधर सो रहा। ओए उठ जा, ये स्कूल का टाइम है, अब इधर नहीं सोना होता है, घर पे सो। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं उठ रहा। तो भूख तो अपने कर्मों का फल। हाय ये कौन सा सायरन बज गया, मर गया, इसने तो मेरी कंप्लेंट कर दी। जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल ले बेटा बिली, वरना तेरी कर देंगे हालत ढीली। यहाँ से कहाँ जाऊँ, ऐसा कर तो मैं ही पहले प्रिंसिपल रूम में जाता हूँ। अरे सर मेरा पीछा छोड़ दो सर। अरे मेरी क्लास मिस हो गई उसके चक्कर में, जल्दी चलो प्रिंसिपल के पास। हिस्ट्री के क्लास के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाने दो इसको, प्रिंसिपल किधर है? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, सर। अरे पिताजी आप यहाँ? अरे मर गया, सर ने डंडा उठा लिया मेरे को मारने। अरे अरे पापा उधर किसी से लड़ रहे हो? अरे नहीं, अरे सर सर छोड़ दो सर, मेरे को छोड़ दो, पापा मेरे देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती करोगे क्या? मैडम ये बच्चा स्कूल में सो रहा था, घर में क्या तेरे को सोने को नहीं दे रहा था क्या बच्चे?
अब ओ मैडम, मैं सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके बैठा था ताकि सुनने पर ध्यान दे सकूं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये पोर बिली हॉक्सकिन के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। सर, बच्चे हमेशा तो जगह नहीं रह सकते, आप जरा उनको और अच्छा पढ़ाइए तो जगह रहेंगे। बच गया भैया, आखिरकार बच गया। अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं जिम के पास। चलो ये डंबल उठा लेते हैं। किधर है डंबल? मिल गया डंबल। हाँ, कैसे हो? क्या हाल चाल? ठीक? हाँ सर, आज क्या पढ़ाओगे? गुड आफ्टरनून बच्चों, यहाँ पर से कोई एक डंबल उठा लो आप लोग। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने डंबल उठा लिया। उठाने की कोशिश करो बेटा, इससे तुम्हारी सेहत बनेगी। मुझसे तो कोई डंबल उठेगा नहीं, मैं पानी पी रही हूं, उसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूं। और उसे उठाओ, बस उठाओ, और उठा के दो चार सेट्स मारो। अगर दो चार सेट्स मार दिए तो मैं आपको मार्क्स दूंगा। क्यों नहीं सर, मुझे अपनी सेहत बनानी है। शाबाश बिली, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हारी ग्रेड सी कर रहा हूँ, सी माइनस से सी तुम्हारी ग्रेड बढ़ा दी जाती है। हाँ गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास शुरू होती है, जो हमने पिछली बार हमें कंप्लीट किया था। कोई मुझे बताएगा आयरन एज कब शुरू हुआ था बच्चों? सर, इस सवाल का जवाब तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद से इसका जवाब है 3300 BC। तो बच्चों, आज हमारी कक्षा पूरी होती है। कक्षा पूरी के बच्चे, अभी तेरे को दिखाता हूँ डंडा की तरह। झाड़ू मिल गया तेरी ऐसी की तैसी, स्कूल अच्छा है ही। सारे टीचर बस सवाल पूछते, पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं। चलो रे इधर से, सायरन बजा रहे, बजाने दो, तेरे को जो बजाने बजा। ए, बिली, क्या तुम मुझसे ये किताब $7 में खरीदोगे? मेरे को तेरी किताब नहीं चाहिए, अपने पास ही रख। चलो इट्स टाइम टू ब्लास्ट द स्कूल। चलो यहाँ से मैं चला।